रेजांगला में हुई शहीदों की हीरक जयंती पर 60 वर्ष पूरे होने पर शहादत माटी कलश यात्रा मंगलवार को 25 गांव में होती हुई बांसूर पहुंची, जहां बांसूर पहुंचने पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष भारत यादव ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में अहीर रेजिमेंट बनाने की घोषणा करेगी, समाज उसके साथ रहेगा। इस दौरान जगह जगह लोगों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर 114 शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमर शहीद हंसराज गुज्जर, शहीद राजेश यादव, शहीद संदीप यादव की प्रतिमाओं के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। यादव महासभा जिला अध्यक्ष भारत यादव ने बताया कि शौर्य यात्रा माजरा अहीर से प्रारंभ होकर कोटपुतली पहुंचेगी। इस दौरान यादव समाज अध्यक्ष किसान लाल, पूर्व अध्यक्ष गोकुल चंद यादव, रोटी बैंक संचालक आरसी यादव, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, डॉक्टर डीआर यादव, पार्षद मनोज यादव, अरविंद यादव, जयमल नेताजी, जगदीश गुरुजी, किसान सिंह, मनोज यादव, रोहिताश यादव, सुवेश सिंह यादव, सुभाष यादव, अजय यादव, किसान नेता मुसीन यादव, माता दीन मास्टर सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शहादत शौर्य कलश यात्रा ये 18 नवंबर को कोटपुतली तहसील के ग्राम लालपुर से शुरू हुई और ये वहाँ से किशनगढ़, बीबीरानी, तेजारा, अलवर शहर, मुंडावर, बहरोड होते हुए आज ये बांसूर क्षेत्र में है और आज ये बांसूर से कोटपुतली में प्रवेश कर जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि 1962 की लड़ाई में रेजांगला जो चेक पोस्ट पे युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसमें 114 वीर अहीरों ने अपनी शहादत दी। तो हमें, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि अहीर रेजिमेंट का गठन जल्द से जल्द करे। और क्या कुछ समाज के युवाओं का आप देख ही रहे हो जोश, धीरे 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 अहीर रेजिमेंट की मांग को जो तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला आने वाले समय में इसको हम राजनीति से जोड़ेंगे कि जो मैनिफेस्टो में जो पार्टी अहीर रेजिमेंट की बात को रखेगी समाज उसके साथ रहेगा।